पूरी बॉडी के अंदर कि मेरे को रात को सोने में इतनी परेशानी होती थी कि मैं कई बार देखे नीचे गिर चुका हूँ। जब तक मेहनत मत छोड़ो, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत दिन से रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारे टाइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, अकड़न बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आप बताएं उसके लिए क्या करें, आप किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि मेरी बॉडी फ्लेक्सीबल कैसी है और रिकवरी भी आ रही है और मेरे पैर वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटनेस आती है या नहीं आती। आज इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कोई ना कोई जानकारी आप छोड़ देंगे और फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उसी टाइटनेस की मैं कौन सी दवाई यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर टाइटनेस, अकड़न, जलन, भारीपन और पैरों में स्टिफनेस, मतलब के पैरों में झटके मारना, ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव साइन है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके इस तरह की सिचुएशन बन रही है आपके बॉडी में। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर हम उसको रिकवर करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज ही कर रहे हैं लंबे समय तक और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिकवरी बहुत सारे लोगों की आ भी रही है। डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज किस तरह से कर रहे हैं, कितना टाइम कर रहे हैं, एक महीना कर रहे हैं, दो महीने करके छोड़ देते हैं, फिर नहीं आती, पैर पतले हो जाते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा और लोग फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पैर पतले हो गए। जब भैया आप एक्सरसाइज रेगुलर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप फिर रिकवरी भी नहीं ला सकते और बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। टाइटनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, टाइटनेस आती है तो उसके बाद में क्या है कि एक्सरसाइज नहीं हो पाती, क्योंकि टाइटनेस होगी तो जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी और एक्सरसाइज नहीं होगी तो रिकवरी नहीं आएगी। तो मैंने पिछली बार भी एक साल पहले के आसपास एक वीडियो बनाई थी इस दवाई के ऊपर और मैं उसी से पहले से लगभग मेरे को 1.5 साल होने वाला है मैं इस दवाई को यूज़ कर रहा हूँ। छोटी सी दवाई है, सस्ती दवाई है, मार्केट में मिल जाएगी। अब इस मेन दवाई का क्या पर्पज़ है, आप पूछेंगे किस वजह से हमें ये खानी है और क्या फ़ायदा करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर पे एक नज़र डालिए, फोकस करिए मेरा वेट कितना है। मेरा वेट कम है, मैं पिछले 10 साल से बेड पर हूँ, इस कमरे में रहता हूँ 3-3, 4-4 महीने तक और मैं रेगुलर 3 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 घंटा शाम। इससे ज़्यादा मैं एक्सरसाइज नहीं करता, जो मुझसे होती है वो मैं खुद करता हूँ और जो मेरे को अपने वाइफ से या डॉक्टर से करानी होती है वो मैं उनसे कराता हूँ। अब देखिए, मेरे शरीर में कोई फैट नहीं बना हुआ, मेरी मसल जो है सारी फ्लेक्सिबल है। टाइटनेस मेरे पूरी बॉडी में पहले आती थी, अब मैं जब से दवाई खा रहा हूँ और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि मेंटेन करना पड़ेगा। आप सोचें बिस्तर पर लेटे लेटे कि हम खाली दवाई खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपने किसी भी दवाई को अगर यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा लेने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मसल्स को बूस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे भी इतनी टाइटनेस आती थी पैरों के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, कि मेरे को रात को सोने में इतनी परेशानी होती थी कि मैं कई बार देखे नीचे गिर चुका हूँ। मैं नीचे गद्दा लगा के सोता हूँ, जैसे गिरूँ तो गद्दे के ऊपर दोनों कोई फ्रैक्चर ना हो, तो मैं लगभग 5-6 बार गिर चुका हूँ नीचे, पैर इतने टाइट हो जाते थे मेरे रात। अब मैं उसके लिए क्या करता था, मैं उसके लिए मेरे को मेरे एक दोस्त हैं कानपुर से, वो भी स्पाइन के पेशेंट हैं, सर्वाइकल के हैं, वो काफी टाइम तक उन्होंने 3-4 तक यूज किया और वो शायद अभी भी यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को इस दवाई के बारे में बताया तो पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, उनकी रिकवरी भी आने लगी। मैंने कहा यार मैं भी यूज करके देखता हूँ। तब मैंने वो दवाई उनसे पूछी, उन्होंने मुझे बताई, मैंने यूज की अपने ऊपर। फिर उसके 3-4 महीने बाद मैंने आपको एक वीडियो बना के दी उसकी, वो वीडियो बहुत अच्छी लोगों को पसंद आई, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, शेयर करें वीडियो को, लाइक की। तो मैंने सोचा चलिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिर भी नए लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली वीडियो नहीं देखते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही दवाई दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है वो डाबर की एकामवीर रस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको या तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी,
और या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसी का एक और वर्जन आता है तो डाबर की है, दूसरी एक और आती है इसकी बैद्यनाथ की, कई इलाकों में कई जगह पे नहीं मिलती है, केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाएगी आपको, आप केमिस्ट वाले से बोलेंगे तो वो आपको ये मंगा के दे देगा, करना ही होगी। तो दोनों में से कोई भी दवाई मिल जाए, 40-40 गोलियां होती हैं इनमें, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके मार्केट में मिल जाए एक दवाई। मैं तो डाबर की कर रहा हूँ, डाबर की पिछली बार नहीं मिली थी तो मैंने बैद्यनाथ की मंगा ली, मैं लगभग 10-15 डब्बी खा चुका हूँ मैं इसकी। तो दोस्तों देखिए, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, इसका मेन खाने का क्या काम है और ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करती है और खाने का इसका क्या प्रोसेस है। आपने क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में, नाश्ता करने के बाद एक गोली आपने पानी के साथ ऐसी खा लेनी है, इसको सादे पानी के साथ में आप एक गोली खा लें, और जब एक गोली आप खा लें उसके एक घंटे के बाद में आप फिर एक्सरसाइज करें। देखिए बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कमेंट करके मत पूछिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी। नाश्ते के घंटे बाद आप एक गोली खा लें, उसके एक घंटे के बाद में आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप करें तो आपको एक्सरसाइज करने में इतना मजा आएगा, अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टेप आप या किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो अगर 15 मिनट करते हैं तो आप आधा घंटा करेंगे, इतना मजा आएगा। और देखिए ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे एक बारी में तो फिर आपकी रिकवरी भी अच्छी आएगी। इसका मेन पर्पज़ क्या है दवाई का, खाने का, हमारे शरीर के अंदर जो भी खाना हम खाते हैं वो क्या करता है, 2-3 घंटे में डाइजेस्ट होने के बाद में वो हमारे, मोशन तो टाइम से आता नहीं है तो वो गैस बना देता, और गैस बनाने के बाद में वो गैस पास होती नहीं है क्योंकि हम प्रेशर नहीं लगा पाते, फिर वो गैस बादी का रूप ले लेती है, और वो बादी इस तरह की होती है कि हमारे पूरी बॉडी के जॉइंटों में और हमारी मसल्स के अंदर ब्लड में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में हाथों में दर्द भी होने लगता है, जैसे कि बोलते हैं गठिया बाय नॉर्मल चलते फिरते आदमी के हो जाती है, अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, अर्थराइटिस वाले भी ये दवाई यूज करते हैं। तो अब अगर हम इस दवाई को खाते हैं तो ये थोड़ी सी गर्म दवाई है, बैटसोल वाली इसको ना खाएं, जिनके बैटसोल है वो इसको ना यूज करें, अभी जब बैटसोल ठीक हो जाए तब यूज करें। थोड़ा इसको खाने के बाद में गर्मी सी भी लगेगी, पसीना भी आएगा, बॉडी बिल्कुल लचीली हो जाएगी और आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। सबसे ज्यादा जो फायदा आपको ये करेगी, गैस नहीं बनने देगी, घबराहट बेचैनी नहीं होने देगी, पेट नहीं फूलने देगी, दूसरा आपका अगर कैथेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, सबसे बढ़िया काम करेगी आपके यूरिन के ऊपर। आप इसको खाते हैं और खाने के बाद में आप देखिएगा आपको यूरिन इतना क्लियर आएगा, और यूरिन के अंदर जो व्हाइट ल्यूकस आते हैं, क्रिस्टल आते हैं जिसको इन्फेक्शन बोला जाता है, वो बहुत सारे लोगों के ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं जिसकी वजह से पथरी बन जाती है ब्लैडर के अंदर, वो सारी परेशानी आपको ख़त्म हो जाएगी और यूरिन बहुत साफ आएगा, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, बार बार कोई इन्फेक्शन की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज़ करिए, मैं यूज़ करता हूँ, मेरे हाथ पैर देखिए, बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली खाता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ। देखिए अगर आप खाना चाहें तो आप इसको रात को भी खा सकते हैं, रात को मतलब कि शाम को जिस टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं उससे एक घंटा पहले आप इसको खा लें, एक गोली सुबह खा लें, गोली शाम को खा लें। और अगर आप कोई दवाई और यूज कर रहे हैं, कोई भी दवाई डॉक्टर की आप यूज कर रहे हैं, तो कम से कम उस दवाई में और इस दवाई में 1-1.5 घंटे का आप डिफरेंस रखें, गैप रखें 1-1.5 घंटे का, या तो 1-1.5 घंटे पहले उसे खाएं या 1-1.5 घंटे पहले इसे खाएं, तब आप दोनों दवाइयां यूज कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लें और तब जाके आप कोई दवाई यूज करें, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शर्त यही है कि आपने इस दवाई को खाने के बाद में एक्सरसाइज जरूर करनी है, अगर एक्सरसाइज कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो ये दवाई फायदा नहीं करेगी। आपको एक टाइम टेबल चार्ट बनाना पड़ेगा कि आंधी आए तूफान आए मुझे 3 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम एक्सरसाइज अपनी करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो करनी है तो करनी है। अगर आप फिजियोथेरेपी को 1 घंटा ब्रेक देते हैं, बीच में छोड़ते हैं, तो वो आपको 2 दिन के लिए पीछे छोड़ देती है, आपको 2 दिन पीछे चले जाएंगे, फिर दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों ये दवाई जो है आयुर्वेदिक दवाई है और इतनी कोई हार्ड दवाई नहीं है, ये एक कंपनी बना रही है, ऐसा नहीं है कोई बाबा वगैरह कोई वैसे लोग बना रहे हैं दवाई को, नहीं, एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनीज बना रही है, बैद्यनाथ जानी मानी कंपनी है, डाबर बना रही है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इस दवाई को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं।
और अगर किसी भाई को, बहन को, किसी को भी, किसी भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को, फैमिली मेंबर्स को अगर बीपी की शिकायत है और शुगर, डायबिटीज वगैरह है, तो वो इस दवाई को यूज ना करें। वो अपने डॉक्टर की दवाई यूज करें जो उनके डॉक्टर ने उनको दे रखी है। वो इस दवाई को यूज ना करें। जो नॉर्मल है वो यूज कर सकते हैं। और बस बैटसोल वाले अभी यूज ना करें, जब बैटसोल उनका रिकवर हो जाए उसके बाद इसको यूज। दोस्तों देखिए, मेरे चैनल पर बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, भाभी वगैरह भी हैं, लेडीज भी बहुत हैं। अगर वो लेडीज भी यूज करना चाहती हैं इस दवाई को तो यूज कर सकती हैं। मैं अपनी वाइफ को भी खिलाता हूँ क्योंकि उनको अर्थराइटिस है, उनकी बॉडी बनती है ज्यादा, तो उनको भी मैं खिलाता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल वेट रहता है, पसीना आता है, ठीक रहता है सब कुछ। और आपको जो वो महीने वाली प्रॉब्लम रहती है तो आप उस टाइम पे ना खाएं इसको, बाकी आप इसको कभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए करे तो बार बार रिक्वेस्ट रहती है आपसे, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो। और चैनल पर अगर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, घंटी को ऑल कर लिया करें। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।